गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में तीन टाइप्स है, वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन्स एंड एंटीसेरा या एंटीटॉक्सिन्स। हम स्टेप बाय तीनों को लेंगे। पहले लेते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन जैसे मैंने आपने पहले डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइव और किल्ड इज कॉल्ड वैक्सीन्स एंड यूज इन इम्यूनाइजेशन। सेकेंड, इसके टाइप्स हैं जो आगे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इम्यूनाइजिंग में सेकंड है इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारी बॉडी के फाइव मेजर क्लासेस होती हैं, उनमें पहला होता है इम्यूनोग्लोबिन जी, दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ए एंड इम्यूनोग्लोबिन डी एंड इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन जी होता है जो हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इम्यूनोग्लोबिन एम जो हमारी बॉडी में जो सबसे पहला इन्फेक्शन होता है उसको हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हम उससे प्रिवेंट हो सके, बच सकें। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन ए जो हमें मिल्क द्वारा या जो कोलोस्ट्रम है, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो कोलोस्ट्रम है उसकी माँ के दूध के द्वारा हमें IgE यानी हीमोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन ए हमें प्रोवाइड होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इम्यूनो डी जो लोकल इन्फेक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, उनको हमें प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन ई जो हमें एलर्जी से एंड जो पैरालिटिक इन्फेक्शन है उनसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हम उससे प्रिवेंट हो सके, बच सकें। थर्ड है एंटीसेरा या एंटीटॉक्सिन्स। एंटीसेरा इट इज ए टर्म ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय एनिमल्स, यानी एंटीसेरा वे होते हैं जिन्हें एनिमल्स से प्रिपेयर करके वैक्सीन प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। एंटीटॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन क्या होते हैं, जिसमें जो बैक्टीरियाज है उनको मॉडिफाई करके हमें जो वैक्सीन प्रोवाइड होते हैं या प्रिपेयर होते हैं उनको हमें एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं। अब लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया आपको, पहले लेते हैं हम वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स में वैक्सीन्स पहली लाइव एटीन्यूएटेड, सेकंड किल्ड इनएक्टिवेटेड, वैक्सीन थर्ड टॉक्सॉइड्स, फोर्थ आपके कॉम्बिनेशन। तो वैक्सीन से पहला है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वे होते हैं जिनमें जो मोर इम्यूजेनिक होते हैं, और इसमें एटेन्यूएट्स का मतलब ये है कि इसमें एटेन्यूएशन डन होता है, यानी जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी है उसको मेंटेन किया रखता होता है। सेकेंड है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिन्हें किल्ड बैक्टीरिया द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, और ये मोर इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, ये लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। थर्ड है टॉक्सॉइड्स, यानी जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, ह्यूमन सोर्स में बैक्टीरिया है, उनमें जो एंडोटॉक्सिन या एक्जोटॉक्सिन होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करके जो वैक्सीन प्रिपेयर या जो बैक्टीरिया प्रिपेयर होते हैं या जो वैक्सीन प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उनको हम टॉक्सॉइड्स में लेते हैं। कॉम्बिनेशन में सभी जो एंटीजेंस है उनका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि DTP वैक्सीन है। तो पहले हम लेते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। यू सीन द डेफिनेशंस, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग लाइव ऑर्गेनिज्म रिपीटली इन द लेबोरेटरी इन टिश्यू कल्चर ऑफ चिक एम्ब्रॉय, सो दैट ऑर्गेनिज्म लॉस देयर कैपेसिटी टू इंड्यूस फुल ब्लो डिजीज बट हैव रिटर्न देयर इम्यूनोजेनोसिटी, एग्जाम्पल BCG, मीजल्स, पोलियो, प्लेग, मम्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, एपिटाइटिस। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होते हैं, उसमें जो टिश्यू कल्चर्स हैं या जो एम्ब्रॉयस्टिक है उनको हमें रिटेंड करके इन वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, जो मोर इफेक्टिव होते हैं या मोर इम्यूजेनिक होते हैं ये। एंड नेक्स्ट है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिन्हें हमने बताया आपको कि किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यानी कि इनएक्टिवेटेड द्वारा हमें प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यू सीन द डेफिशिएंसी।
यानी जैसे बताया कि किल्ट जो है वो हीट या केमिकल्स के द्वारा जो बैक्टीरिया उनको हीट या केमिकल्स के द्वारा इन बैक्टीरियो को पिचर करके वैक्सीन को बनाया जाता है। ये मोन इम्यूजेनिक लेस इम्यूजेनिक होते हैं। थर्ड इज टॉक्सॉइड्स। टॉक्सिन जैसे बताया मैंने कि जो एंडोटॉक्सिन या एक्जोटॉक्सिन है उनको न्यूट्रलाइज करके जो वैक्सीन प्रिपेयर किए जाते हैं वो टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन जैसे डिप्थीरिया टेटनस, यू सी इन द डेफिनेशंस। फोर्थ है कॉम्बिनेशंस। इसमें सभी वैक्सीन को इंक्लूड करके जो वैक्सीन प्रिपेयर किए जाते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन वैक्सीन कहते हैं। जैसे कि MMR, DPT, देन एग्जाम्पल इज यू सीन द डेफिनेशन। इफ मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट इज इंक्लूड इन द वैक्सीन इट इज कॉल्ड एज मिक्सड और कॉम्बाइंड वैक्सीन DTP, MR, DT, HIB, हेपेटाइटिस बी। देन इज कंप्लीट इज टाइप ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के टाइप्स कंप्लीट है। अब हम लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लेते हैं लाइव एटेन्यूएट, फिर लेंगे हम किल एटेन्यूएट पढ़ लिया, फिर हमने टॉक्सिन्स पढ़ लिया, फिर हम कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम वैक्सीन्स। वैक्सीन्स शेड्यूल से पहले मैं आपको वैक्सीन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि शेड्यूल आपको जनरली आराम से समझ में आ जाए। वैक्सीन्स पे पहले लेते हैं हम। इससे पहले मैं आपको एक वैक्सीन के लिए ट्रिक बता देता हूँ जो आपको वैक्सीन को रिमेम्बर करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप इजीली सभी वैक्सीन को रिमेम्बर रख सकते हैं। बी यानी BCG, ओ यानी OPV, येलो फीवर, टाइफॉइड, CRME, आर यानी रेबीज, आई यानी इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ये एक स्टेप है बॉय द क्राइम, जिसमें आपको ट्रिक में ये याद रखेगा बी यानी BCG, ओ यानी OPV, OPV में ये कौन सी है, साबिन, वाई यानी येलो फीवर, डी यानी टाइफॉइड, सी यानी चिकन पॉक्स, आर यानी रेबीज, एन यानी इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इसमें इंट्रानेजल, एम यानी मीजल्स, ई यानी एपिडेमिक टाइफस। तो ये ट्रिक है वैक्सीन पे। दूसरा है पीरा। पीरा ये भी एक स्टेप है। पीरा में IPV, पार्टोसिस, इन्फ्लुएंजा, IM, उसमें इन्फ्लुएंजा इंट्रानेजल था, इसमें IM, आर से रूबेला, ए से हेपेटाइटिस ए, बी एंड डी। तो ये ट्रिक हो गई। तो पहले हम लेते हैं BCG। BCG में
BCG. फुल फॉर्म इज बेसिलस कालमेट ग्यूरिंग. इसको जो प्रोड्यूस किया था वो थे दानिश, यानी 1331 से मैं इसको जो फॉर्म है उसके द्वारा, इसको दानिश फॉर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था इस वैक्सीन को. तो यू सीन द हिस्ट्री वैक्सीन, BCG वैक्सीन. नेक्स्ट एम, जो BCG का एम था वो क्या था कि जो ट्यूबरकल बेसिलाई बैक्टीरिया था उनको कम करना और जो हमें मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी को कम करना, यानी डिक्रीज करना. तो ये मुख्य एम था हाँ BCG वैक्सीन का, वो ये था. तो यू सीन द एम. अब है BCG के टाइप्स. ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्लेन, एक होती है डाइड. एक प्लेन जो होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी डाइल्यूट होती है. दूसरी होती है ड्राइड. प्लेन होती है जो मोर रिस्ट्रिक्टिव होती है, और ये जो यू सीन द टाइप्स. जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है वो मोर स्टेबल होती है लिक्विड वैक्सीन के मुकाबले. और यह है जो लिक्विड वैक्सीन होती है उसको यूज करने के उपरांत 3 घंटों के अंदर हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है. नेक्स्ट देखते हैं डोजेज. जो वैक्सीन की BCG वैक्सीन में डोजेज है वो क्या होती है, वो BCG वैक्सीन में डोजेज लगती है 0.5 ग्राम नियोनेट और इन्फेक्ट में 0.1 या चिल्ड्रन में. इसका रीजन ये है कि इसमें नियोनेट्स में कम क्यों लगती है, बिकॉज जो नियोनेट्स होते हैं उनकी जो स्किन है वो काफ़ी थिन होती है, और जब BCG वैक्सीन को हम इंजेक्ट करते हैं तब इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जैसे एब्सेस, और वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ के लिम्फ नोड्स में भी कन्वर्ट हो सकता है. इस कारण से हम जो नियोनेट्स है उसमें ये जो डोज लगाते हैं 0.5 mg, और जो इन्फेंट्स हैं एंड या चिल्ड्रन हैं 0.1 ml हम डोज लगाते हैं. तो नेक्स्ट है यू सीन द डोजेस. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन. जो BCG वैक्सीन को उसको एडमिट करने के लिए हमें, यानी इंट्रा डर्मल यानी ID हम इसको लगाते हैं यूजिंग ए ट्यूबिकल सिरिंज बाय 26 गेज नीडल. ट्यूबिकल सिरिंज नीडल 26 गेज एंड जो डायमीटर होता है वो 5 होता है. लेफ्ट आर्म. ट्यूबिकल सिरिंज को इंट्राडर्मली एंड ट्यूबिकल सिरिंज एंड 26 गेज नीडल एंड जो डायमीटर होता है वो 5 mm होता है और लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं. तो यूज सीन द एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट है एज ऑफ BCG. अब इसमें एज क्या होती है BCG में, जो BCG जो लगाने की जो है 8 बर्थ टू 6 वीक्स, यानी हम 8 बर्थ लगा सकते हैं और 6 हफ्तों के अंदर हम कभी भी BCG की जो वैक्सीन है वो लगा सकते हैं. नेक्स्ट है स्टोरेज. तो BCG वैक्सीन को स्टोरेज किसमें करते हैं, जो BCG वैक्सीन स्टोरेज है वह स्टोरेज टू 8. ये हीट सेंसिटिव होते हैं,
स्टोरेज हो गया, यू सीन द स्टोरेज। नेक्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन्स, तो दिस इज ए कंप्लीट विच इज वैक्सीन्स। नेक्स्ट लेते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन्स, जैसे बॉय द क्राई में बी तो हो गया, अब ओ यानी ओ पी वी साबिन। मैं इसको साबिन के द्वारा डिस्क्राइब प्रोड्यूस किया गया था। इसमें ओपीवी जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रिकमेंडेड है, और ये इसकी जो डोजेज है वो 2 ड्रॉप्स डोजेज दी जाती है बच्चों में। यू सीन द ओपीवी हिस्ट्री। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें जो वैक्सीन्स में ओपीवी में 3 टाइप्स के जो है यूज किए जाते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, यानी मोनोविलेंट, बाइविलेंट, ट्राइविलेंट या पी ओ पी वी, बी ओ पी वी, एम ओ पी वी। मोनोविलेंट, बाइविलेंट, ट्राइविलेंट। मोनोविलेंट में क्या होता है, इन तीनों में से टाइप्स में से कोई एक टाइप यूज किया जाता है, तो उसको हम मोनोविलेंट वैक्सीन कहते हैं, ओपीवी कहते हैं। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप सेकेंड में क्या कहते हैं, बाइविलेंट में इन तीनों टाइप्स में से कोई 2 टाइप्स यूज करते हैं, वो कोई सा टाइप होता है, टाइप फर्स्ट भी हो सकता है, टाइप सेकेंड भी हो सकता है, टाइप थर्ड भी हो सकता है, ठीक। तीसरा है ट्राइविलेंट, तीनों इसमें टाइप्स यूज किए जाते हैं, उसको हम ट्राइविलेंट्स कहते हैं। ट्राइविलेंट्स रिकमेंडेड किया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। नेक्स्ट है डोजेस, यू सी एडमिशन का तरीका जो होता है बच्चों में, जब ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को, दोनों चिक्स को थोड़ा कंप्रेस करके ड्रॉप डालने के बाद में हम नोज को पंच करते हैं, ताकि वो ड्रॉप इजीली हुए आसानी से उसके पेट में चली जाए। दूसरा नेक्स्ट, ये जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं वे काफी मात्रा में करते हैं। जो स्ट्राइल वैक्सीन है वे +40 डिग्री टेम्परेचर में हमें 1 ईयर के लिए रह सकते हैं, और सेकंड जो +25 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 1 मंथ के लिए रह सकते हैं वैक्सीन को, और जो नॉन स्टाइल वैक्सीन है उसको हम -20 डिग्री डीप फ्रीजर में हम इसको रखते हैं। और इस वैक्सीन पे एक वीवीएम होता है, यानी वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जो ये इंडेक्ट करता है हमें कि इस वैक्सीन को हमें यूज करना है या नहीं करना। तो उसमें 4 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट में क्या होता है, जो ऑटो सर्विस है वो काफ़ी डार्क होता है, अंदर का जो स्क्रेस है वो वाइट ही रहता है। सेकंड में आउटर सरफेस डार्क, लाइटली थोड़ा सा ये भी डार्क होता है, तो ये दोनों वाइप्स हम यूज कर सकते हैं। थर्ड होता है, ये काफ़ी बराबर मात्रा में आ जाते हैं दोनों ही, आउटर सर्किल एंड इंटर सर्किल। थर्ड में क्या होता है, जो आउटर सर्किल एंड इनर सर्किल दोनों ही काफ़ी डार्क हो जाते हैं, जबकि इनर सर्किल काफ़ी डार्क हो जाता है, तो ये दोनों वाइल्स हम नहीं यूज कर सकते। तो यू सीन द डायग्राम, अब है आईपीवी। IPV by SOC, इसको
साल्क ने डिस्क्राइब किया था, इसको लगाने का है IM। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि OPV IPV क्या फ़र्क है, तो IPV जो है वो साल्क ने इसको प्रोड्यूस किया था, दूसरा इसको लगाने जो एडमिशन गन का रूट है वो है IM। नेक्स्ट है FIPV। F का मतलब है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कैसे, जैसे कुछ वैक्सीन में कुछ डोज को हम एक साथ ना देख के डिवाइडर्स में देते हैं, जैसे कि 6 20 वीक्स, उसको हम फ्रैक्शन IPV कहते हैं। और यह है ID, इंट्राडर्मल होता है। एडमिशन तरीका जो होता है स्टेप वो होता है इंट्राडर्मल। नेक्स्ट है आपके DPT वैक्सीन्स। DPT वैक्सीन्स यानी डिप्थीरिया पार्टोसिस टॉक्सॉइड्स। DPT डिप्थीरिया पार्टोसिस टॉक्सॉइड्स ये दो टाइप्स की होती है, प्लेन एंड एब्जॉर्प्शन टैबलेट प्लेन, दो प्रकार करती है। यू सीन द DPT वैक्सीन्स, जो प्लेन होती है वो हम इम्यूनो बूस्टर के यूज मतलब वैक्सीन में यूज करते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन होती है वह हम कैरियर एज लाइक कैरियर में यूज करते हैं, जिसमें कुछ लाइक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्साइड। तो ये मटेरियल, ये जो एब्जॉर्प्शन वायल है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट है आपके डोजेस। बूस्टर डोज है 8 मंथ्स। जो डोजेस एंड एडमिशन है वो है, जो डोजेस की जो क्वांटिटी है वो 0.5 ml रखी है, और इसको डीप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। नेक्स्ट, ये जो डोजेज है वह 3, 10 and 14 वीक्स में दी जाती है। नेक्स्ट है आपके एडवर्स रिएक्शंस। जो DPT वैक्सीन्स में रिएक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे कि फीवर, पेन, स्वेलिंग एंड अदर रिएक्शन। यू सीन द एडवर्स रिएक्शंस, फीवर, माइल्ड लोकल रिएक्शंस, प्लेन, स्वेलिंग, इन ड्यूरेशन एट ऑफ इंजेक्शंस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, एनसेफेलोपैथी, कन्वर्जेंस, राइस सिंड्रोम। अब है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हम ये वैक्सीन किन किन डिजीज में, सीवियर रिएक्शन टू प्रीवियस डोज लाइक कोलैप्स, शॉक, परसिस्टेंट स्क्रीनिंग, कन्वर्जेंस, अदर न्यूरोलॉजिकल एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। अब है स्टोरेज। DTP वैक्सीन शुड बी स्टोर 4 degrees to 8 degrees टेम्परेचर, शुड नॉट बी फ्रोजन। जो DPT वैक्सीन रखते जाती है वो 4 to 8 degrees सेंटीग्रेड, और DPT वैक्सीन को कभी फ्रोजन नहीं किया जाता। तो दिस इज कम्प्लीट टॉपिक इज इम्यूनाइजिंग एजेंट्स एंड वैक्सीन टाइप्स एंड BCG वैक्सीन एंड OPV वैक्सीन एंड DPT वैक्सीन। थैंक यू एवरी वन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।